कई अवसरों पर उन्होंने सृजन के बारे में अपने विचार रखे। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस की हिम्मत। अटल जी कहते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले। और इस बीच माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन, अटल जी की समाधि सदैव अटल पर होता हुआ। माननीय राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ में गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और तमाम गणमान्य लोग हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरा राष्ट्र आज उन्हें याद कर रहा है और अपने अपने ढंग से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वाजपेयी का राजनेता रूप बड़ा था या साहित्यकार रूप, ये चर्चा शोधार्थियों के लिए अच्छा विषय है, पर उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में समन्वय कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री के लिए अटल जी को याद करना अपने गुरु को याद करने जैसा है, अपने पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जैसा है। अटल जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक ऐसी महान संस्था थे जो गंगा की तरह हिमालय की विभिन्न नदियों और धाराओं को अपने पन से समाहित कर जीवन के संघर्षों से तप कर सागर की तरह अथाह हो गए। यह अथाह सागर अपने पीछे ऐसी अमिट छाप छोड़ गया जो प्रेरणा का अतुलनीय महान स्रोत भी है और विभिन्न विचारधाराओं को सम्मान करने का मन मस्तिष्क भी। अटल जी को नमन कर आज भी उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री
माननीय अमित शाह जी। अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता और उनके परिवार के सदस्य, अटल जी के सहयोगी और वरिष्ठ राजनेता विजय मल्होत्रा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अटल जी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ राजनीति में आए और उसका प्रकटीकरण और परिस्थितियों के मुताबिक नवीनीकरण भी उन्होंने समय समय पर किया। अटल जी ने भारतीयकरण को नई परिभाषा से गूंथा। वे मानते थे कि परायों को अपना बनाने का नाम है भारतीयकरण, परकीय को स्वकीय का स्वरूप देने का नाम है भारतीयकरण। ये कार्य अनादि काल से चला आ रहा है और ये यज्ञ अनंत काल तक चलेगा। जिस प्रकार भारतीयकरण का संबंध एक वर्ग से नहीं संपूर्ण समाज से है, उसी प्रकार भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल एक अंग नहीं समग्र जीवन आता है। और यहाँ जो तमाम लोग उपस्थित हैं वो कहीं ना कहीं अटल जी के जीवन से, उनके सिद्धांतों से प्रेरित हैं और उनके बताए रास्तों पर ही आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर श्रुति माथुर और उनके सहयोगी भजनों के माध्यम से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भजनी न बंधु दिनेश दा